नमस्कार दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट एंड टेक गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंपैरिजन टेस्ट पंप के बारे में बताएंगे कि ये किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं और ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारा ये पूरा कंपैरिजन टेस्ट पंप है, इसमें ये हमारा हैंडल लगा हुआ है जिससे कि हम प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये और ये हमारे लेबलिंग स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये दो और दो पीछे लगे हुए हैं, चार लेबलिंग स्क्रू हैं जिससे कि हम कंपैरिजन टेस्ट पंप को लेवल कर सकते हैं। और ये हमारे गेज कनेक्टर लगे हुए हैं दो, इसमें इसके थ्रू यहाँ पे प्रेशर इसके जो यहाँ पे प्रेशर जो बनता है वो इसके थ्रू बनता है। गेज कनेक्टर पहले प्रेशर इन दोनों में सेम जाता है प्रेशर, एक में मास्टर गेज लगा होता है जैसे हमने डिजिटल प्रेशर लगा रखा है, दूसरे में आपका प्रेशर गेज लगेगा जो हमें चेक करना होता है, और तीसरा हमें ये जो है हमारा ये हमारा रिलीज वाल्व है, इसके अंदर हम पानी डालते हैं जिससे कि हमारा पानी से जो है यहाँ से प्रेशर बनने चालू हो जाता है। और ये रिलीज वाल्व है, जब इसको खोल देंगे तो यहाँ से प्रेशर निकल जाएगा, पूरा रिलीज हो जाएगा। जब इसको हम बंद कर देंगे, ऐसे बंद कर देते हैं इसको, तो हमारा प्रेशर बनने यहाँ से चालू हो जाता है। जैसे जैसे हम इस हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते जाएंगे तो ये हमारा प्रेशर नहीं बनेगा, इसमें प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा, जैसे ये डिक्रीज होता चला जाएगा। और जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमारा प्रेशर जो है डिक्रीज होता जाएगा। जैसे हमने प्रेशर देना होता है तो ये हमारी रिलीज वाल्व होती है ये वाली, इसको हम टाइट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम प्रेशर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जैसे जो घुमाते जाएंगे तो हमारा प्रेशर बनता जाएगा। ये हमारा प्रेशर बनता जाएगा, और ये जो हमारा प्रेशर बन रहा है ये बैटरी के थ्रू बनता है, हमारा प्रेशर हाइड्रोलिक प्रेशर बनता है इसमें। और जैसे ही इसके प्रेशर बनता जाएगा, जैसे ही आ गया पानी ऊपर, इसमें पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, ये दिख रहा होगा आपको, ये आ गया पानी का लेवल। और जैसे इसको हम रिलीज वाल्व को रिलीज करेंगे यहाँ से तो ये हमारा प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा प्रेशर। और इसमें जो पानी डालते हैं हम हमेशा डिजिटल वाटर डालते हैं जिससे कि प्रेशर में एक्यूरेसी आती है, इसमें ऑयल नहीं डलता है, इसमें डिजिटल वाटर डलता है। और ये हमारा जो यहाँ से हमारा जो भी प्रेशर बनेगा हमारा यहाँ से बनेगा, ये हाइड्रोलिक प्रेशर बनता है हमारा, इसमें जो बनता है। बाकी जो है इसमें जैसे जैसे हम हैंडल घुमाते जाएंगे इसके द्वारा हम प्रेशर स्विच, प्रेशर ट्रांसमीटर, कंपाउंड प्रेशर गेज और कंपाउंड प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, डिजिटल प्रेशर गेज इत्यादि चेक कर सकते हैं इससे कंपैरिजन मेथड से। और ये आसानी से कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, ये इसका वेट जो है वो 10 kg तक है, वो कहीं भी फील्ड में ले जाके हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और ये इसके जो हैंडल हैं ये खुल भी जाते हैं, ये इसके एसेसरी जो खुल जाती है, इसको पैक करके पूरा ये इसका खुल जाता है, ये जो हैंडल है इसके पूरे खोल के फिर हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं आसानी से। और ये जो हमारे गेज कनेक्टर लगा होता है ये BSB थ्रेड के, इसमें जो लगे होते हैं ये BSB थ्रेड के होते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड BSB। इसमें जो अलग तरह के गेज इसमें कनेक्टर आते हैं, वो इससे हम अलग अलग साइज के हम गेज प्रेशर गेज चेक कर सकते हैं। और इसमें है आपका, इसमें जो है आपका ये, वो इसमें इसके द्वारा हम वैक्यूम भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं इसको ऐसे करके, तो इससे प्रेशर बन रहा है हमारा। और ये वाल्व को हम बंद कर देते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं ये ऐसे करके, तो हमारा वैक्यूम बनना चालू हो जाता है। जैसे इसको घुमाते जाएंगे तो वैक्यूम बनना चालू हो जाता है, तो इससे हम पिरानी गेज, वैक्यूम गेज, डिजिटल वैक्यूम गेज इत्यादि भी चेक कर सकते हैं इससे। ये दोनों एक काम आता है, प्रेशर गेज चेक करने के भी, कंपाउंड प्रेशर चेक करने के भी, और वैक्यूम प्रेशर गेज इत्यादि चेक करने के भी काम आता है हमारा।
तो दोस्तों यही था हमारा आज कंपैरिजन चेस्ट पंप के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, इंस्ट्रूमेंट एंड टेक गुरु को। धन्यवाद आपका, हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे, प्लीज़ देखते रहिए हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका धन्यवाद।